नमस्कार दोस्तों, टेक डिशम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कोरव और आज के इस टेक न्यूज सेशन के अंदर हम बात करेंगे रिलायंस जियो 4G सिम कार्ड के बारे में कि वो आपको मिलेगा या नहीं। तो बात करें गाइस रिलायंस जियो 4G सिम कार्ड की, तो रिलायंस ने कुछ ही महीने पहले रिलायंस जियो 4G सिम कार्ड का प्रीव्यू लॉन्च किया था, जो कि आपको मिलता था लाइफ के स्मार्टफोन्स के साथ, आप उसको यूज़ कर सकते थे। उसके बाद में धीरे धीरे सैमसंग के कुछ मॉडल्स के अंदर, फिर LG के मॉडल्स के अंदर, फिर अभी रिसेंटली काफ़ी सारे फ़ोन निकले लाइक ASUS के अंदर भी खबर आ रही है कि उसके साथ भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। इस प्रीव्यू स्कीम के अंदर आपको क्या मिलता है जिसके लिए लोग इतना पीछे पड़ रहे हैं, लोग इतना हड़कंप मचा रहे हैं पूरे भारत के अंदर। तो तीन महीने के लिए आपको इंटरनेट जो है वो फ्री मिलता है, और जो सिम कार्ड है वो आपको फ्री में ही मिल रहा है, और जो वॉइस कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, SMS है, वो सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। अब बात आती है कि ये जो रिलायंस जो 4G सिम कार्ड है वो सभी 4G स्मार्टफोन्स के लिए मिलने लग गया है अभी। ये बात कहीं ना कहीं हद तक सही भी है, बट पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने रिलायंस स्टोर में जाके कंफर्म करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, बाकी आपको पता नहीं चल पाएगा। या तो आप कॉल करिए या फिर आप वहाँ जाके पता करिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे उनको अपडेट नहीं मिली है कंपनी की तरफ से, वो आपको वो सिम नहीं देंगे अगर आपके पास सैमसंग का या फिर LG का या फिर लाइफ का सपोर्टेड फ़ोन नहीं है 4G। अगर आपके पास है तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं है तो आपको नहीं देंगे। बट कुछ स्टोर्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है और जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लाइनें भी ऐसी लग रही है जिनको टोकन देना पड़ रहा है और दो दो तीन दिन दिन बाद आपको उनको बुलाना पड़ रहा है। और क्योंकि सिम जो है, जो रिलायंस जियो सिम 4G सिम कार्ड है, वो काफ़ी लिमिटेड स्टॉक के अंदर है स्टोर्स पे, तो वो कुछ ही बंदों को मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं तो फटाफट आप दौड़िए, भागिए रिलायंस स्टोर पे, पूछिए उनको, कंफर्म करिए कि वो सिम कार्ड आपको मिल सकता है या नहीं। अगर आपके पास सपोर्टेड फ़ोन है ऑलरेडी सैमसंग, LG या फिर लाइफ का, तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके पास सपोर्टेड फ़ोन नहीं है तो आप कंफर्म कर लीजिए कॉल करके रिलायंस स्टोर पे, या फिर वहाँ जाके। अगर वो मना करते हैं देने से तो हो सकता है उनको अपडेट नहीं मिली हुई हो कंपनी से, तो ये ऐसा नहीं है कि आप उनसे झगड़ा करने लग जाइए, आप दूसरे स्टोर पर ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करके ले जाने हैं रिलायंस स्टोर पे इस 4G सिम कार्ड के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। आपका फॉर श्योर, आपका जो 4G स्मार्टफोन है जिसके अंदर आप सिम कार्ड यूज़ करेंगे वो तो आपको लेके ही जाना ही है फॉर श्योर। अगर नहीं ले जाते हैं तो आपको सिम कार्ड नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स आपके लेटेस्ट, और उसके अलावा आपको आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी या फिर आपका पैन कार्ड, वो आपको लेके जाना होगा आपके रिलायंस नज़दीकी रिलायंस स्टोर पे। सिम कार्ड मिलने के बाद आपको वहीं पे रिलायंस स्टोर पे आपको कोड जनरेट करके देंगे एक, जिसको आपको यूज़ करना होगा रिलायंस जियो की ऐप के अंदर। रिलायंस जियो की ऐप आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन अगर आपका है तो आप प्ले स्टोर में जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं रिलायंस जियो ऐप, और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको कोड को यूज़ करना होगा। उसके बाद में आपको 11 एप्लीकेशंस होगी अलग अलग तरीके की, जो कि आपको उसी ऐप के अंदर शो होगी, उन सभी को आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में आपकी सिम एक्टिवेट होगी। ओके सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे टेक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड बटन आप देख ही रहे होंगे नीचे, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को इजीली एक्सेस कर पाए आपके यूट्यूब होम पेज पे। गाइस, मैं गौरव आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।